हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। खुशखबर ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का ब्लॉग का शुरुआत दोपहर से हो रहा है और हम खाना निकालने आए हैं सबका। सबको खाना खाएंगे तो ब्लॉग में बने रहिएगा। क्या क्या बना, क्या क्या निकाल रहे हैं, क्या क्या बनाए हैं वो हम दिखाते हैं आपको। सबका खाना निकाल दिया हम। अंडा का सब्जी और चावल बना है आज के दिन के खाने में। ये पापा का, पापा जी रोटी खाएँगे। ये विकास का, ये मम्मी जी का, ये अर्नब और सोना का। तो हम चले सबको खाना देने के लिए, उसके बाद आपको मिलते हैं हम। अब अर्नब के पापा चले ऑफिस चड्डी में। उसके पापा बोल रहे चड्डी में उसका वीडियो शूट कर रही है। अब गर्मी बहुत है तो बच्चा को गंजी उंजी मुँह में उंगली नहीं। अर्नब का तबीयत खराब था तो पूरा पतला दुबला हो गया एक ही दिन में, बुखार उखर लग कर। क्यों अर्नब, अर्नब कल क्या खाया था? कैसा था मोमो का ये स्वाद? अच्छा। बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हम इस वीडियो में यहाँ पे मोमो का थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट्स लिए थे, वो डाल के दिखाएंगे आप लोगों को। वो जो फ्राई नहीं, मोमो उसी को फ्राई करके और उसका दाम दुगना करके बेच रहा। अच्छा था, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मोमो का स्वाद घटिया हो गया। नहीं, ये बार फ्राई मोमो का उससे अच्छा था चिकन वाला। चिकन वाला फ्राई करने पे टेस्टी लगता, वो वेज वाला फ्राई था इसीलिए टेस्टी नहीं लगा, समझे? ठीक है, जाओ जाओ। अर्नब को नींद आ रहा है। ले ली पर्स, मोबाइल, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव नहीं लिए। मौसम कुछ ऐसा बन गया, मतलब इधर सूखा, इधर बारिश हो रहा है। इधर कस के बारिश हो रही, इधर बादल लगा है और इधर देखो धूप है। गजब हाल है, धूप में ही बारिश हो रहा है। बूंद 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 बरस जा रहा है। बड़ी अच्छा लग रहा, मोती मोती टाइप का दिख रहा है, लग रहा मोती टपक रहा है। इधर देखो, इधर कितनी तेज़ बारिश हो रही, रुक रुक के बारिश हो रहा, जहाँ कहीं हो रहा कहीं नहीं हो रहा। अर्नब सो गया है आज, आज उसको सोने का मन था। अब टाइम हो गया अर्नब को ट्यूशन लाने का और ट्यूशन जा रहे छोड़ने के लिए। ये रहा अर्नब। अर्नब भाई कर, कैसा लग रहा बारिश में? अच्छा नहीं। हाँ, क्यों बारिश में अच्छा क्यों नहीं लग रहा? अर्नब को बारिश में चलना बिल्कुल पसंद नहीं है। पैर बहुत गंदा होता है जनाब का। एक ठो मिट्टी भी इसका पैर में लग जाए ना, परेशान हो जाता है। ये क्या गंदा है, ये क्या गंदा है, पूरा कीचड़ कीचड़। इसको बर्दाश्त नहीं होता है गंदगी। कुछ लगा है कैमरा में शायद, अब जाके साफ हुआ। अर्नब बता दो अपना बारिश एक्सपीरियंस, बता दो। हाँ हाँ, अर्नब सोया हुआ था, उठाए उसको, बारिश हो रहा था, इसको पता नहीं है कुछ भी। उठा तो बोल रहा है इतना सब जगह भींग जाता है, लोग भींगा देता है, इतना गंदा लगता है चलने में, पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाता है। चलता है तो पीछे से छींट पड़ता है, बच्चा है इसको ढंग से चलने नहीं आता है। पूरा बालू बालू पैर जो होता है, एक भी बालू अगर इसके पैर में या जूता में घुस गया तो इसका आदत है। चप्पल जूता जो पहना रहे खोल करके साफ करेगा। हाँ, मिट्टी में खेल के आता था नहीं, फिर दोस्त फ्रेंड लोग के साथ जाता है, कभी कभी बालू में खेल के आता है, बाल में बालू, सर में बालू, हाथ में बालू, सब में लगा के आता है तो नहीं। तो बोले कौन है? नहीं चल पाते हैं इसका, इसी तरीका से ड्रामा चलते रहता है। फटाफट अब इसको ट्यूशन पहुंचाएंगे, उसके बाद घर जा कर के कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। शाम का नाश्ता बने चाहे रात का खाना बने, तैयारी करेंगे। उसके बाद खाना उना बना करके हम चले गए अर्नब को लेने के लिए ट्यूशन से, अर्नब के पापा के साथ, मतलब सोना के साथ में।
और वो यहाँ पर हम लोग पेट्रोल ले रहे थे सोना, तो हम वहाँ खड़े थे वीडियो शूट कर रहे थे। यहाँ पे सोना आके पूछ रहे क्या कर रहे हैं, हम बोले वीडियो शूट कर रहे हैं। तो घाटशिला हम लोग गए थे, तो यहाँ हनुमान मंदिर है। ये हनुमान मंदिर के जस्ट सामने अपोजिट साइड में एक शॉप देखे नया खुला हुआ है, जिया बैंगल्स करके। तो हम सोचे नया खुला है चलते हैं देखते। बैंगल्स A1 मतलब अच्छा लगा मुझे उसका, मतलब कि जितना भी बैंगल्स कलेक्शन था उन लोगों का बहुत ही अच्छा लगा। हम अपना रिव्यू दे रहे हैं बस, हम पूरा एक्सप्लोर नहीं किए कभी भी नहीं, हम बस अपने लिए बैंगल्स देखने गए थे। तो कुछ कुछ बैंगल्स का हम वीडियो ले लिए, जो जो देख रहे थे वो हमें दिखा रही थी। हम बोले मुझे बाला दिखाइए चार पीस वाला, क्योंकि मुझे चार पीस वाला लेना था, सावन आ रहा है तो सावन के लिए हरी चूड़ियाँ लेनी थी। तो हमको, हम जब दिखाने लगे तो हमको सारे ही चूड़ी पसंद आ रहे थे। ये जो पीकॉक ग्रीन कलर वो मस्त लग रहा था, ये मल्टी कलर में था, मल्टी कलर भी अच्छा लग रहा था। और ये जो सिल्वर और गोल्डन का जो कॉम्बिनेशन था ना, ये मुझे बहुत पसंद आया इस ये बैंगल्स। और हम बोले रुक जाइए, मेरे को थोड़ा सा वीडियो लेने के लिए, मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए लेने दीजिए। जिसको भी आना है मैं बता दूँ, घाटशिला में जो भी घाटशिला के मेरे व्यूअर्स हैं, घाटशिला में जो हनुमान मंदिर है उसके जस्ट सामने जिया बैंगल्स है, उसमें जाकर के आप जाके लिख सकते हैं। कलेक्शन बहुत अच्छा है बैंगल्स का, चूड़ी का, वहाँ हर चीज़ मिलता है। ओल्ड मतलब कि जितना भी लेडीज़ का सामान होता है, लेडीज़ कॉस्मेटिक्स से लेकर के जितना भी यूज़ लेडीज़ कॉर्नर है वो पूरा। और ये मैरून कलर की और ये जो डार्क ब्लू कलर की जो बैंगल है ना, वो भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और मेरे पास कुछ ऐसा अभी ड्रेस नया मैरून और ये मतलब ब्लू वाला नहीं, कुछ नया है मतलब पुराना है, उसके साथ सारा मैचिंग ज्वेलरी है। तो हम सोच रहे ले ये क्या करेंगे, लेकिन मुझे इस पर दिल आ गया था, हमको बहुत अच्छा लग रहा था। वाइट नग था और बीच में गोल्डन था, बहुत अच्छा लग रहा था। हम बोले ये तो मस्त लगेगी हरी चूड़ियों पर, तो इसीलिए हम बोले कि आप ये दे दीजिए मुझे चार पीस। और हम रेट पूछ कर सारा चीज़ ले रहे थे। वो बहुत प्यार से मुझे ट्रीट की, उनके जार जितने भी स्टाफ थे वो खुद भी सारा सामान निकाल कर दे रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। हम इसीलिए बार बार कैमरा पे दिखा रहे थे, अब वो निकाल के मुझे दी। हम इसलिए कैमरा पे मैं एक दो बार और दिखा दिया आप लोगों को। बहुत ज़्यादा साइन था बैंगल्स में, इसीलिए शायद मुझे पसंद भी आ गया। थोड़ा साइन उन रहता ना तो अच्छा लगता है पार्टीज़ में ये सब में। ये जो चूड़ी थी जो वो रख रही हैं पीकॉक ब्लू कलर की, वो तो और मस्त लग रही थी और मल्टी कलर की अच्छी लग रही थी। आप अगर अपनी मम्मी को या किसी को देना चाहते हैं तो वहाँ जाकर के कलेक्शन देख सकते हैं। हम पूरा कलेक्शन देखे नहीं, ना ही दिखाए आप लोगों को, बस वहाँ पर हम जो देख रहे थे ले रहे थे बस वही शो किए। बहुत अच्छा लगा मुझे, इसीलिए हम थोड़ा, हमको चीज़ अच्छा लगता है तो हम वहाँ मेंशन ज़रूर करते हैं आप लोगों को कि ये चीज़ हम यहाँ से लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और रेट की बात तो बोलूँ तो मैं, मुझे चार पीसे 70 रुपये की पड़ी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। वो डब्बे वाली चूड़ियाँ भी बहुत अच्छी थी और ये भी बहुत अच्छी थी। हम बार बार इसे दिखा रहे थे, उसके बाद हम उसको बिलिंग करने के लिए दे दिए कि आप पैक कर दीजिए। और ये हम आ गए यहाँ, ईयरिंग्स का इनका कलेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाला था, चूड़ा था, बहुत अच्छा कलेक्शन था इनका, ईयरिंग्स बहुत अच्छा लगा। और भी अंदर में बहुत सारा सामान था मेरे पास, तो उतना टाइम नहीं था कि हम देखते। यहाँ पर एक मोती वाली बैंगल्स जो पार हुई वो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो वाइट मोती का काम था पूरा, चूड़ा का सेट था बहुत अच्छा था और ज्वेलरी सेट भी। उसके बाद आ गए हम लोग, अर्नब को चाहिए था केक, अब ये वाली चाहिए थी रंबो, तो हम घर आ गए। और शॉप का ओपनिंग था बैंगल्स वैंगल्स, तो वहाँ से हम लोग को मीठा भी मिल गया, लड्डू उड्डू ढेर सारा लड्डू। अर्नब लड्डू चाहिए, अर्नब गुस्सा है, अर्नब के लिए ढेर सारा सामान लेके आए हैं। आप लोग को दिखाते हैं क्या क्या अर्नब अपने लिए लेकर आया है। अर्नब तो, अर्नब तो शायद कोई प्यार नहीं करता है ना। अर्नब ये है अर्नब के लिए ब्रेड, अर्नब का लंच कल जाएगा ब्रेड से के, ये ले जाएंगे ना, कुछ और ले जाएंगे खुश हो गया अर्नब। और ये कुछ और एक मिस्ट्री बॉक्स है, इसमें क्या है अर्नब लेकर आया है, देखे 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 अर्नब, देखे देखे ये रहा रंबो। इसमें है सबके लिए क्रीम रोल लाए थे, बट
अभी कोई घर में है नहीं, मम्मी उम्मी भी, तो लोग आएंगे तो खाएंगे। आगे दिखाइए, चॉकलेट लगा हुआ, चॉकलेट फ्लेवर वाला क्रीम रोल, बहुत टेस्टी और यम्मी दिख रहा है। तो हम चले खाना बनाने, उसके बाद सारे लोग खाना खा लिए और हम आ गए सोने के लिए। अर्नब ऑलरेडी सो चुका है, हम अभी फेस धो करके आए हैं। मेरी आदत है फेस उस धो धा के या फिर नहा कर, गर्मी बहुत रहेगा तो हम नहा कर ही सोएंगे। नॉर्मल मौसम रहता है तो फेस वॉश किए, पैर हाथ धोए, फ्रेश हुए, उसके बाद सोते हैं। किसकी किसकी आदत है ये ज़रूर बताइएगा, मुझे तो आदत है ऐसी चीज़ की। तो हम चले सोने, आपको मिलेंगे कल नए वीडियो में कुछ नया लेके। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर।